हेलो दोस्तों, हम लोग कानपुर पहुंच गए मूवी हैं देखा दोस्तों। और मूवी आप सभी देखा कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जिस चीज़ के लिए हमें अचानक आना पड़ा उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है दोस्तों। तो मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था विमल ने लड़की को, तो वो मेहंदी सबको रख चुकी है। लास्ट में मैंने ही रख पाए थे, तो उंगलियाँ भरने के लिए रह गई थी ना, तो तानी कह रही थी मम्मी मैं भर लूँगी, तो वही भर रही हूँ। और मम्मी मेरी आराम कर रही हैं और तानी मेरी उंगलियाँ भर रही है। और अब हम सूखने का वेट कर रहे हैं क्योंकि मेहंदी सूख जाती है तो चढ़ जाती है, आजकल तो टाइम लगता नहीं है। वो मैंने 5 और अच्छे से ली थी। और ये मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, तो मम्मी ने नहीं रखवाई थी, सिस्टर ने तो रखवाई है, उसके घर का तो फंक्शन में बनता है। और ये उसकी ननद है और तानी लेटी हुई है। सुबह आके खाना खा के नहा धो के सो गए थे, तो अभी शाम को ही उठे थे, तभी मेहंदी वाली मतलब मेहंदी वाली आ गई थी, तभी हम लोग उठे, तो मेहंदी वगैरह रखवा ली है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये अब आ गए पंडित जी, तो जो सामान जो जो उन्होंने मंगवाया था चलो, तो वही चेक करने आए थे कि सारा सामान आ चुका है या नहीं। अगर कुछ रह गया हो तो पहले ही मंगा लेते हैं, क्योंकि फिर पूजा के टाइम अगर कम पड़ जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है, कई बार लाने वाला होता है नहीं होता, तो इस वजह से तो वही सारा सामान चेक कर रहे हैं। गए हुए थे बाहर तो ये भी वापस आ गए हैं। ये जो थोड़ा बहुत सामान नहीं था, मतलब था क्या, ये था कि सुबह सुबह पूजा के समय ही लाना, वही लिखवा रहे हैं पंडित जी। और ये देखो घर सजना शुरू हो गया है, घर को डेकोरेट करने वाले आ गए थे, क्योंकि दिन में बहुत धूप होती है तो मुश्किल हो जाता है, और सुबह से धूप हो जाती है तो शाम को ही आ गए हैं। बोले हम शाम को ही सजा देते हैं, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा फिर सुबह कर देंगे, लेकिन मेन काम शाम को ही कर जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं बता देती हूँ कि जो ये है ना, तो हम लोग जो आए हुए अचानक, तो गृह पूजा में आए हुए हैं, गृह प्रवेश पार्टी और पूजा दोनों है, तो उसी में आए हुए हैं। और ये विमल और जितेंद्र गए हुए थे शॉपिंग करने, गिफ्ट्स वगैरह लाए थे देने के लिए, जैसे उनकी बहनें हैं बुआ हैं, मतलब खास खास लोगों को देने के लिए, तो वही साड़ी सूट वगैरह लेके आई थी। तो वही अब बड़ी वाली दीदी हैं तो उनको दिखा रहे हैं कि ये लाए हैं, तो यही सब लोग बैठ के शॉपिंग देख रहे थे। जो लोग सूट पहनते हैं उनके लिए सूट थे, जो लोग साड़ी पहनते हैं उनके लिए साड़ियाँ थी। बच्चा पार्टी भी बड़ी शांति से देखने में लगी है शॉपिंग। पसंद आया तो ले लेंगे, इसमें गले वाले में से वर्क था थोड़ा सा, तो ये भी मतलब ही बता रही है कौन सा, मतलब इसके हिसाब से लाए हैं, होता है ना कि जिससे कौन कि हर किसी की चॉइस अलग होती है। और दोस्तों अब है आज नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन की सुबह, और पंडित जी पूजा की तैयारी कराने के लिए आ गए हैं। तो सारी तैयारियां चल रही हैं। हाँ हट जा भाई, समझ नहीं आ रही। तैयार होके आ चुके थे इधर, और सामान वगैरह भी आ गया था, ये था कि जो भी है तब तक पंडित जी तैयारी वगैरह करेंगे, तब तक सब लोग तैयार हो लेंगे, नहा धो के आ जाएंगे। और ये परिधि कोई लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर, चल रही है आ चुके हैं पूजा के लिए, और सब लोग गाँव से जो वहाँ होती है ना, जिसको जिसका पैर छूने होते हैं तो छू रहा होता है,
और ये बच्चे पूजा में बैठे हुए हैं। मम्मी लोग भाभी लोग सब लोग बैठी हुई हैं पूजा में। और ये पंडित जी मेन गेट की किचन की पूजा करवा रहे हैं, जो भी पूजा की विधि होती है जो जैसे करवाना होता है अपना पंडित जी अपने हिसाब से करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो वही सब करते हैं ना जो पंडित जी जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करना होता है, तो वही चल रहा है। और ये हम लोग खड़े हुए थे क्योंकि उधर धुआं लग रहा था ना, तो सब लोग थोड़ा अंदर बाहर की तरफ जा जा के खड़े हो गए कि थोड़ा धुआं कम लगे। और ये है मतलब जिन्होंने घर को पूरा तैयार करवाया है, क्योंकि अब कोई रहता तो था नहीं, इतना टाइम नहीं होता, तो यही मतलब इनका क्या राकेश नाम है, तो इन्होंने ये पूरा घर मतलब कंप्लीट करवाया है, बनवाया है अपनी देखरेख में। दीदी लोग जीजा जी लोग आ गए थे और ये पंडित जी अब किचन की पूजा करवा रहे हैं। और ये बच्चों ने अपने रूम की फ़ोटो भी खींच के डाली हुई है, क्योंकि ये ब्लॉग दोस्तों बच्चे ही बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था तो बच्चों के पास ही कैमरा था तो वही बनाते रहे हैं। तो जब जो उन्हें लगा वही उन्होंने बनाया, तो ये अपने रूम की फ़ोटो भी उन्होंने बीच में खींच के डाल दिए। तो अब आरती होने जा रही है, तो सब लोग खड़े हो गए हैं आरती के लिए। और ये पीले कुर्ते में जो भैया खड़े हैं उनके पड़ोसी हैं, और उन्होंने सारा पूजा पाठ का पंडित जी का अरेंजमेंट करवाया था। तो अब आरती शुरू हो गई है दोस्तों। आरती हो गई है और अब सब लोग ले रहे हैं आरती।
और ये तासु भी आ गए आरती लेने के लिए। हम सब लोग भी आरती ले ले रहे हैं। तानी रह गई है तो वही तानी से बोले तुम भी ले लो आरती। और धुआं खूब हो रहा था और फाइनली आहुति देनी थी। सारा कुछ मतलब होता है ना, अपने ग्रहों को, अपने कुल को, जो भी है, सारे पूर्वजों को याद करके पूरी तरह से आहुति मतलब पूजा का फाइनल था। तो वही चल रहा है। इसके बाद फिर सबको प्रसाद वगैरह मिलेगा, सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इसके बाद फिर दोस्तों आगे का प्रक्रिया शुरू होगी। फिर नाश्ता है, खाना है। इसके बाद फिर इस्कॉन वाले आएंगे, हरे कृष्णा हरे रामा वाले। फिर शाम की पार्टी है। तो दोस्तों वो तो हो गई पूजा और अब सब लोग प्रसाद लेंगे। तो दोस्तों ये एक पार्ट है, तो इस पार्ट को मैं यहीं पे बंद करूँगी क्योंकि फिर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को भी हमारे साथ बहुत मज़ा आने वाला है और अच्छा लगेगा। और ये येलो साड़ी में भाभी हैं इनकी, जहाँ पे रहते हैं ये लोग अभी मकान में, जो येलो साड़ी में खड़ी हैं बिमल के बगल में। तो फाइनली फोटो सेशन हो रहा है, बाकी सब कुछ हो चुका है दोस्तों। तो मैं इसी के साथ आपको बाय बोलूँगी और आपको इसका आगे का वीडियो नेक्स्ट उसमें मिलेगा, आगे क्या क्या हुआ और कितना एंजॉय किया हमने बच्चों ने। और आप भी हमारे साथ एंजॉय करिएगा दोस्तों। तो बाय, सब लोग अपना अपना प्रसाद खाने में लगे हैं।